एवरीवन स्वागत है आपका अपने ही चल रही स्टैंकर में गाइस जैसा कि मैंने पहले कहा था हॉलीडेज चल रही है तो मैं कहीं बाहर आई हूं तो इसी वजह से फाइव डेज आपको बुक से ही स्टोरी मिलेगी ठीक है उसके उससे अगले दिन फिर मैं आपको प्रिंट आउट करके साथ में हिंदी लिख कर ही स्टोरी दिया करूंगी ठीक है ना तो आज हम करने वाले हैं स्टोरी बुक से ओनली वन चांस बहुत ही अच्छी स्टोरी है छोटी है लेकिन बहुत अच्छा लेसन है इसके अंदर और हम सीखेंगे न्यू न्यू वर्ड्स तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे चलिए ओनली वन चांस सिर्फ एक मौका चांस होता है मौका चीटर हु यूज टू चीट पीपल फॉर हिज बेनिफिट एक बार एक था देयर क्या है इंट्रोडक्टरी देयर है मीन्स एक चीटर था वॉज लगा है था का सेंस आएगा ठीक है एक धोखेबाज था टीटर मीन्स चीटर्स मींस धोखेबाज ठीक है ना हु यूज टू जो हु यहां पर क्या है कंजंक्शन का काम कर रहा है अगर हु यहां पर होता तो कौन हु आर यू तुम कौन हो इस तरह से अगर हु दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तो वो क्या काम करता है कंजंक्शन मीन्स इसका मीनिंग होता है जो जो हुआ करता था मीन्स धोखा किया करता था चीट मीन्स धोखा ठीक है यूज टू कब यूज करते हैं पास्ट की जब कोई आदत होती है उसको दर्शाने के लिए वो लोगों को धोखा दिया करता था फॉर हिज बेनिफिट अपने किसके लिए बेनिफिट लाभ के लिए अपने लाभ के लिए वो लोगों को धोखा दिया करता था फाइनली आखिरकार द पीपल ऑफ द किंगडम जो राज्य के लोग थे वेंट गए गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है वेंट मीन्स गए टू दियर किंग अपने राजा के पास फॉर हेल्प सहायता के लिए क्लियर है द किंग ऑर्डर हेज मैन टू कैच द चीट राजा ने आदेश दिया अपने आदमियों को टू कैच पकड़ने के लिए किसको चीट को जो धोखेबाज था उसको पकड़ने के लिए आदेश दिए ही वोज सून कॉट एंड ब्रॉट टू द कॉर्ट ही वोज सून कॉट अब देखिए जल्दी ही सून मीन्स जल्दी ही वॉज कॉट बॉज के साथ थर्ड फॉर्म है पैसिव का सेंस दे रहा है कॉट मीन्स होता है पकड़ना पकड़ा गया और ब्रॉट लाया गया ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट लाया गया तो यह क्या है पेसिव है किसने पकड़ा कौन लेकर आया ये नहीं दिखाया गया तो मीन्स पेसिव है ये ठीक है ना वह है लाया गया जल्दी ही और पकड़ा गया टू द कॉट मीन्स दरबार में लाया गया बट द क्लेवर चीट प्लीडेड विद टीय जो चालाक धोखेबाज था उसने बहुत ही मीन्स मिन्नते करी प्लीडेड विद टीय आंसुओं के साथ की ही वुड नेवर चीट अगेन की वो विल का पास्ट बुड है गागेगी का सेंस आएगा वो कभी भी धोखा नहीं देगा दोबारा ठीक है ना द किंग ट्रस्टेड द चीट एंड फॉर गिव हिम जो राजा ने ट्रस्टेड उस पर विश्वास किया धोखेबाज पर और उसको क्षमा किया फॉर गिव होता है ये सेकेंड फॉर्म है फॉर गिव मीन्स क्षमा कर दिया उसे क्षमा किया सेकेंड फॉर्म विश्वास किया ठीक है पास्ट इंडेफिनेट का सेंस दे रहा है ये आगे देखते हैं अब राजा ने एक बार तो उसको विश्वास कर लिया उसको क्षमा कर दिया क्योंकि पहला मौका था उसका पहला चांस था द चीट वेंट अवे बट ही डिड नॉट चेंज हिज हैबिट ऑफ चीटिंग जो धोखेबाज था वो चला गया वेंट अवे भाग गया बट ही डिड नॉट चेंज अब देखिये यह क्या है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ठीक है पास्ट इंडेफिनिट का क्या है नेगेटिव है जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा He did not change वो नहीं बदला ठीक है His habit उसने अपनी आदत को नहीं बदला Of cheating means धोखेबाज की धोखे की अपनी हैबिट को नहीं बदला आउटसाइड द सिटी शहर के बाहर ही saw a rich merchant उसने देखा Second फॉर्म लगी है saw सी See, saw seen Second फॉर्म है तो मीन्स देखा एक अमीर व्यापारी को <coughs> He made him उसने कर दिया उसे अनकॉन्शियस बेहोश कर दिया एंड टुक हिज मनी और ले गया उसका पैसा ठीक है दोबारा जब उसको चांस मिला फिर उसने बाहर निकल के क्या किया उसने रिच मर्चेंट को देखा और उसका पैसा उसको बेहोश करके ले लिया वाइल ही वॉज रनिंग ठीक है जब वो भाग रहा था वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है पास्ट कंटिन्यूस रहा था रहे थे का सेंस आएगा रन होता है भागना इसके साथ हमें क्या लगाना है रहा था रहे थे वाइल ही वॉज रनिंग जब वो भाग रहा था स्लिप्ड वो फिसल गया सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट एंड फेल गिर गया ठीक है ना आगे देखते हैं अब देखिए उसका जो हेड है सर है स्टक टकरा गया स्टोन से पत्थर के साथ एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस और वो हो गया सेकेंड फॉर्म है बिकेम अनकॉन्शियस बेहोश हो गया द किंग्स मैन राजा के एक आदमी ने उसे देखा सौ हिम उसको देखा एंड टुक हिम बैक टू द किंग और उसको ले आया वापस किसके पास राजा के पास ठीक है हमें हमेशा क्या देखना है वर्ब की फॉर्म को देखना है उसी से हम सेंस को पहचान पाएंगे कि जो टेंथ है प्रेजेंट है पास्ट है या फिर फ्यूचर है द चीट प्लेड इट अगेन जो वो था धोखेबाज था उसने दोबारा से मतलब अर्जी की मतलब बहुत हाथ पैर जोड़े प्लीडेड मीन्स उसने क्षमा मांगी अगेन फॉर फॉरगिवनेस क्षमा के लिए याचना की प्लीडेड याचना करना बट दिस टाइम द किंग सेट इस समय राजा ने क्या कहा राजा ने कहा कि आई गेव वन चांस टू चेंज योअर मैंने दिया सेकेंड फॉर्म पास्ट इन मैंने दिया Give मींस देना होता है सेकेंड फॉर्म दिया वन चांस एक मौका टू चेंज बदलने का तुम्हें ठीक है बट यू वेस्टेड तुमने क्या किया उसको बर्बाद कर दिया दैट यू वेस्टेड दैट तुमने उसे बर्बाद कर दिया अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस ओनली जो अपॉर्चुनिटी है मौका है अवसर है खटखटाती है दरवाजे को ओनली वंस के साथ एस लगा है 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 प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। मींस होता खटखटाना एस लगा है तो प्रेजेंट डेफिनेट है खटखटाती है दरवाजे को ओनली वन सिर्फ एक बार की मीन्स लाइफ में हमें मौका एक बार ही मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए इससे सीख मिलती है कि जब भी हमें मौका मिले तो हमें सुधर जाना चाहिए तो हमें बार बार वो गलती नहीं करनी चाहिए आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी, गाइस तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप लिख करके रख सकते हैं जब भी आपको कहीं भी न्यूज पेपर में बुक में कहीं भी ऐसे वाले स्ट्रक्चर दिखते हैं तो इनका जो सेंस होगा वो वही होगा जो मैंने आपको बताया है ठीक है ना तो गॉड ब्लेस यू लर्निंग